इट इज़ द टाइम फॉर द रिवीजन। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक मॉक देना जो पेपर की तरह एज इट इज़ हो और पेपर भी वैसा ही दिखे, तो JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल के बिना एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको ऑथेंटिक मॉक देता हो। हम आपके लिए लेके आए 100+ मॉक टेस्ट, सेक्शनल, 1000 से ज़्यादा MCQs। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है अजय और मैं ऑलरेडी सेंटर के सारे एग्जाम पास कर चुका हूँ, इवन पंचायत में मैंने सिलेक्शन ली है। तो हमसे बेटर आपको मॉक नहीं मिलेंगे। हम बाकी चैनल की तरह नहीं करते कि पढ़ाना कुछ और मॉक को छोड़ डालेंगे, तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं। अगर आप मॉक उसमें नहीं डाल रहे हो, इसका मतलब जान तो आप खुद अच्छा नहीं पढ़ाते हो या मॉक ही आपके अच्छे नहीं है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक मॉक देना चाहते हो, तैयारी चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो जल्दी से JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और प्ले स्टोर में जाके बाय कीजिए बिल्कुल सस्ते प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं JKSSB की तरफ से कुछ वैकेंसीज आउट की गई हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, क्वालिफिकेशन इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो फर्स्टली बात करें हम यहाँ पर JKSSB ने कुछ वैकेंसीज आउट की हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 462 आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। आपके डिपार्टमेंट जल शक्ति डिपार्टमेंट में आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, जल शक्ति डिपार्टमेंट में आपके 163 पोस्ट रहने वाली है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 198 पोस्ट रहने वाली है। वहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर वेलफेयर में देखें तो 101 पोस्ट आपकी रहने वाली है। टोटल 462 आपकी जो पोस्ट हैं रहने वाली है। इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट फॉर्म अप्लाई होना आपके स्टार्ट हो चुके हैं। देन लास्ट डेट की बात करें तो 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 9 नवंबर से पहले वाले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं ओपन मेरिट की यहाँ 40 तक एज रखी हुई है, SC की 43, ST की 43, तो एज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी कैंडिडेट यंग वगैरह वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एज रखी गई है, ओपन मेरिट की 40, SC की 43, ST की भी 43, यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको पता ही है JKSSB की तरफ से कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई होता है तो उसकी जो फ़ी है वो 350 रहती है। तो अगर किसी कैफ़े वगैरह से आप अप्लाई करते हो तो आपकी फ़ी जो है वो 450 हो जाती है, यानी 500 के करीब आपकी फ़ी यहाँ लगती है। तो इससे बेटर आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से खुद फॉर्म वगैरह अप्लाई करें। एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस आपका एग्ज़ाम रहेगा और 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपको बताइए JKSSB की कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती ही रहती है, तो 0.25 की इसके नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब बात करते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में आपकी जो ड्यूटी वाइज पोस्ट 163 पोस्ट रहने वाली है, उसमें आपके 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें, जम्मू डिवीजन की 11 पोस्ट है, इसमें आपकी 10+2+1 ईयर आपको हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। देन एग्रीकल्चर फार्मर प्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ पे तो आपकी यहाँ अकेडमिक ग्रेजुएट आपको होना चाहिए 65 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे इन्होंने मांगी गई है। ग्रेजुएट एंड टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पे मांगी गई है, तो इस तरीके की आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तो 10+2 होने चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन। देन फ़ी आपकी 350 लगेगी, तो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 9 नवंबर। तो जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता वो अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट इसकी 9 नवंबर रहने वाली है और फ़ी आपकी 350 रहने वाली है यहाँ पे। तो 10+2 वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी JKSSB की तरफ से एक जॉब अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।